सावधान सावधान सावधान, मथुरा नरेश महाराज उग्रसेन पधार रहे कहो अक्रूर। नगर निवासियों का एक प्रतिनिधि मंडल दर्शन की आज्ञा चाहता है महाराज। नगर निवासियों के लिए तो हमने कभी भी न तो राजभवन के द्वार बंद किए और न हृदय के, परंतु तुम्हारी आंखें कह रही हैं कि समस्या गंभीर है। समस्या तो गंभीर है ही महाराज। समस्या क्या है? यदि वो स्वयं कहें और महाराज सुने तो अधिक उचित होगा, क्योंकि बात जब मुंह बदलती है तो उसका अर्थ भी थोड़ा बहुत बदल ही जाता है। उनको आदर सम्मान सहित राज दरबार में बुलवाओ। द्वारपाल, नगर प्रतिनिधि उपस्थित हो। महाराज की जय हो। इस प्रतिनिधिमंडल की क्या आवश्यकता पड़ गई? अकेले आने का साहस नहीं हो रहा था महाराज। अपने राजा के पास आने का साहस नहीं हो रहा था? तब तो इसका अर्थ यह हुआ कि हम इस सिंहासन के योग्य नहीं हैं, क्योंकि प्रजा के आने के लिए तो राजनिवास में भी कोई द्वार नहीं होता, अथवा नहीं होना चाहिए। कहो और निर्भय होकर कहो, प्रजा को क्या कष्ट है? प्रजा को एक ही कष्ट है महाराज। क्या कष्ट है? युवराज कंस। युवराज कंस? युवराज ने क्या किया? जो भी किया अच्छा नहीं किया महाराज। तुम तो कंस के मित्र हो वसुदेव। मित्रता का यह अर्थ तो नहीं महाराज कि मित्र के अत्याचारों का भी समर्थन किया जाए। युवराज कंस ने मथुरा राज की आत्मा को लहूलुहान कर दिया है। भगवान आपकी आयु लंबी करे, परंतु मथुरा के भविष्य के विषय में विचार करना भी राजा के नाते आपका कर्तव्य है। महाराज की जय हो। कहिए नगरजन। महाराज, हमें कहते हुए दुख होता है, परंतु युवराज के अत्याचार की और हमारे दुख की कोई सीमा नहीं रही। न किसी का जीवन सुरक्षित रहा, न हमारी संस्कृति, न सभ्यता। घरों में बहु बेटियों की जान सांसत में रहती है और बाहर हमारा सम्मान। यमुना के पवित्र तट पर बसी हुई हमारी मथुरा नगरी में आज विपदा की नदी बह रही है और आतंक का सागर लहरा रहा है। मैं कंस से बात करूंगा।